नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष योग्य जिनको रखा जाएगा कोविड ड्यूटी से मुक्त, और जो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक हैं उनका होगा टीकाकरण। और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि टीकाकरण के पश्चात आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन सा जो आदेश है जिसके तहत जो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक हैं उनको टीकाकरण होगा। तो ये आदेश हमारे सामने है, आदेश 11/5/2021 का है और विषय है माध्यमिक शिक्षा की कार्मिकों हेतु कोविड-19 सुरक्षा वैक्सीनेशन हेतु। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक और कार्मिक जो फ्रंटलाइन कर्मों की भांति कोविड-19 संबंधी विभिन्न कार्यों में प्रथम संपर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे निगरानी समिति के सदस्य हैं, विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर से प्रभारी, घर घर जाकर सर्वे, टीकाकरण में सहायक इत्यादि ड्यूटी दे रहे हैं, अर्थात वे सीधे संपर्क की श्रेणी में हैं। प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम करवाया जा चुका है, परंतु माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक एवं कार्मिकों को वैक्सीन लगनी शेष है, अतः इस क्रम में निवेदन है कि शासन स्तर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासनिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक विभाग से समन्वय कर इन माध्यमिक शिक्षा के कार्यरत कार्मिकों जो कि कोविड-19 की ड्यूटी में हैं हेतु अतिशीघ्र निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं। पहला है, एक ही दिवस में माध्यमिक शिक्षा विभाग के इन कार्मिकों हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाकर अभियान को कंप्लीट किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक और कार्मिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है, अतः कोविड-19 संबंधी शिक्षकों हेतु दिए जाने वाले कार्यों का दायित्व है प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को दिया जा सकता है। कोविड-19 की ड्यूटी लगाते समय 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक, ऐसी महिला कार्मिक जिनके 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, एकल महिला, विशेष योग्यजन, असाध्य बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को यहाँ मुक्त रखा जाएगा। जो शिक्षा विभाग के कार्मिक कोविड-19 के कार्यों से सीधे संपर्क में आते हैं उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा संबंधित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा विभाग के कोविड-19 में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में प्राप्त दुखद मानवीय क्षति की सूचनाओं को देखते हुए आग्रह है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्मिक विभाग से समन्वय कर जिला प्रशासन हेतु इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिलाने की कार्रवाई कराने का श्रम करावे, जिससे कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों को कोविड-19 संबंधी कार्यों से भयमुक्त होकर पूर्ण सुरक्षा के साथ दायित्व का निर्वहन किया जा सके। तो साथियों, ये था आदेश जिसके तहत जो माध्यमिक शिक्षा है उसके कार्मिकों को वैक्सीनेशन करवाया जाना है। अब हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीनेशन के पश्चात जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो साथियों, इस बारे में हम आपको बता दें कि जैसे ही आप वैक्सीनेशन करवा लेते हो और जिस जो मोबाइल आपने रजिस्टर्ड करवाया है उस मोबाइल पे एक लिंक आएगा और उस लिंक को आपको खोलना है और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वीडियो देखकर सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करें ये पता लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।